साथ एक सबसे बड़ी खबर आ रही है, पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाएगा। सबसे बड़ी खबर, न राज्य सरकार की कमेटी जांच करेगी न केंद्र सरकार की, सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में ये कमेटी बनेगी और उस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में सुनवाई हो रही थी, एक दिन पहले भी हुई थी और आज भी हुई, तो आज भी पंजाब सरकार की तरफ से जो तर्क रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई कमेटी बनाई जाए, क्योंकि जो केंद्र सरकार की तरफ से जांच की जा रही है वो हम लोगों से कोई राय बात कर नहीं रहे, अपने हिसाब से जांच कर रहे हैं। और जबकि केंद्र सरकार से कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से जो जांच टीम बनाई गई है उसमें वो लोग जांच कर रहे हैं जिनके ऊपर आरोप है, तो ऐसे में जांच कमेटियां जो केंद्र राज्य की बनाई गई थी उसमें असहमति थी। इसको देखते हुए अब सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाएगा, रिटायर्ड जज की एक कमेटी होगी जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार में आपस में इस मामले में ठन गई है। और जब आज जो पक्ष रखा गया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो ब्लू बुक है, एसपीजी एक्ट है, उसकी अनदेखी की गई है। और ये भी तर्क रखा गया कि सारी जानकारी उनके जो सड़क मार्ग की है वो पहले ही दे दी गई थी लेकिन उसकी अनदेखी की गई है। और पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि नहीं, हम लोगों ने कोई अनदेखी नहीं की है, हम लोगों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है और हम लोग प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। हालांकि याचिकाकर्ता ने जिस तरीके से इसके पहले याचिका लगाई थी और कहा था कि इस पूरे मामले से जुड़े जो भी दस्तावेज हैं, जो ड्यूटी लगी थी, जो कुछ भी ब्लू बुक जो कुछ भी था, वो हरियाणा हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उनके पास सब कुछ होना चाहिए ताकि उससे कोई छेड़छाड़ ना हो। इसको लेकर पिछली सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई वहाँ पर सारी चीज़ें सुरक्षित होनी चाहिए, एनआईए की एक अधिकारी है, पांच से कुछ टीम थी, वो लोग भी जाके सारी निगरानी कर रहे थे, सारे साक्ष्य को इकट्ठा किया था। इसके बाद फिर आज सुनवाई हो रही है, दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष रखे गए। और चूंकि इसके पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक दोनों तरफ से जो जाँच कमेटियाँ हैं वो अपनी जाँच नहीं करेंगी, और अब दोनों तरफ से बात सामने आई है कि दोनों तरफ से जो जांच कमेटियां जो जांच करने वाली थी उनमें विश्वास नहीं है दोनों तरफ से। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट जांच कमेटी बनाए, और अब खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक कमेटी बनेगी जो इस पूरे मामले की जाँच करेगी, क्योंकि दोनों तरफ से जो साक्ष्य दिए जा रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सारी जानकारी पहले ही राज्य सरकार को दे दी गई थी, डीजीपी साहब को दे दी गई थी लेकिन अनदेखी की गई। और इसके पहले भी जो हमने खबर आपको बताई थी कि एडीजीपी ने भी पहले ही बताया था कि वहाँ पे मौसम खराब हो सकता है, सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री जा सकते हैं, किसान भी आंदोलन पर बैठे हैं तो वो भी एक बात हो सकती है, तो उसके लिए भी रूट डाइवर्ट होना चाहिए। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी जिसको लेकर सवाल जवाब का दौर शुरू हो चुका था। केंद्र की तरफ से पंजाब सरकार पर आरोप लगाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के साथ अनदेखी राज्य सरकार की तरफ से की गई है, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री, उनका अलग तर्क है, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपके ऊपर ना कोई गोली चली ना कुछ हमला हुआ, तो आप कैसे कह रहे हैं कि हम जान बचा के चले आए, क्योंकि पंजाब में चुनाव भी है तो ऐसे में सियासत की बात होगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई वहाँ से जो खबर बड़ी खबर आ रही है कि इस पूरे मामले की जाँच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में ये कमेटी बनेगी और इस पूरे मामले की जांच करेगी। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी फिरोजपुर जा रहे थे, एक रैली को संबोधित करने और सरकारी कार्यक्रम था उनका जिसमें करीब 42 से 45 हजार करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलने वाली थी, तो वो कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला 20 मिनट तक रुका था। इस पूरे मामले में जमकर सियासत हुई और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले सुनवाई हुई थी तो उस वक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई दोनों तरफ से जो कमेटियां गठित की गई जो जांच कर रही, फिलहाल वो लोग काम अभी जांच रोकें। और जो याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि जो साक्ष्य हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसको सुरक्षित रखा जाए। इसके बाद उसके आधार पर फिर आज भी सुनवाई हुई, आज भी दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष रखे गए। केंद्र की तरफ से तुषार मेहता ने पक्ष रखा कि भाई ये बड़ी चूक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला था कि पीएम मोदी कहीं जा रहे हों और उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक रुका रहता है, डीजीपी साहब नदारत रहते हैं, मुख्य सचिव नदारत रहते हैं, सीएम साहब नदारत रहते हैं। हालांकि फिर पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री के ऑफिस में कुछ कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, इस वजह से वो नहीं पहुँच पाए थे। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है।
और इसके पहले एक ये भी जिक्र किया जा रहा है कि 32 पन्नों का एक जो खुफिया रिपोर्ट थी उसमें सारी बात सामने आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी का क्या कार्यक्रम है, सड़क मार्ग से जा सकते हैं, क्या है सारी व्यवस्था पहले से ही वहाँ पे पुलिस को बताई गई थी। लेकिन अब यहाँ पे चूक हुई है, चूक बड़ी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, गृह मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक की गई है, जबकि वहाँ से ये कहा जा रहा है कि हम जान लड़ा देंगे लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में कोई चूक की बात नहीं है। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। वो ये कहते दिख रहे थे कि भाई आपको तो कोई गोली भी नहीं लगी, कोई हमला भी नहीं हुआ, तो आप फिर कैसे कह रहे हो कि भाई मेरी जान बच गई। चूंकि भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि भाई मेरी जान बच गई है, तो सियासत भी जोर शोर से हो रही है और सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई। अब देखना ये होगा कि अब इस पूरे मामले में जो जांच कमेटी गठित की गई है वो कब से अपनी जांच प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में चुनाव को देखते हुए भी केंद्र और राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पंजाब सरकार की तरफ से 2 सदस्यीय एक जांच टीम का गठन किया गया था, उस पर केंद्र सरकार से कहा गया भाई जिनके ऊपर आरोप है वही जाँच करेंगे तो कैसे भरोसा करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से 3 जो है जांच सदस्यीय टीम भेजी गई, जिसमें IB और SPG के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जो उनके चीफ थे, वो खुद पहुंचे थे वहां पे जांच के लिए। तो उनके ऊपर पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई ये लोग SPG के लोग हैं तो ये जब जांच करेंगे तो हम लोगों की अनदेखी करेंगे। तो ये तमाम मामले दोनों तरफ से आज पक्ष रखा गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसके बाद ये खबर आ रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में एक कमेटी बनाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में और वो इस पूरे मामले की जाँच करेगी। हम लगातार आपको ये भी दिखा रहे हैं कि चूक कैसे हुई। पंजाब में मुख्यमंत्री चन्नी ने फोन नहीं उठाया प्रधानमंत्री का, ऐसा कहा गया। दरअसल 5 जनवरी को हुसैनीवाला जाते वक्त प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक रखा था और एक फ्लाईओवर पर जाम लग गया था। प्रदर्शनकारियों की वजह से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का काफिला वहाँ पर रुका था और फिर वो यू टर्न करके वापस आ जाते हैं। पहले हेलीकॉप्टर से जाना था भटिंडा से वहाँ पर हुसैनीवाला, लेकिन मौसम खराब था। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद जब मौसम साफ नहीं हुआ तो ये फैसला हुआ कि भाई सड़क मार्ग से जाएंगे। ये कहना है कि DGP साहब की तरफ से रूट क्लियर किया गया कि भाई रूट क्लियर है, आप जा सकते हैं, लेकिन अभी करीब 20-25 किलोमीटर पहले ही थे वो एक फ्लाईओवर पर, तभी पता चला कि वहाँ पर जाम लगा हुआ है, प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए हैं। और फिर 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का काफिला वापस आ जाता है और इस मसले के बाद तब से सवाल उठने लगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां से करीब 20 से 30 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर है और ये जो जहां पे प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुका था वो करीब 20 से 30 किलोमीटर का जो इलाका है वो खालिस्तानी समर्थित कुछ लोग जो हैं उनके समर्थक भी वहां पाए जाते हैं। तो ये खतरा हो सकता था क्योंकि पिछले सितंबर में ही वहाँ पर टिफिन बम की बात सामने आई थी। तो ये तमाम चीज़ें थी, इसको लेकर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। तो अब इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दूसरी बार हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि भाई एक जांच कमेटी बनाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में और वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन यहां वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।